नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो परिणाम बहुत कुछ सबक और संदेश देकर गया है। एनडीए सरकार तो बन रही है, पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हाल बीजेपी का हुआ है उस पर चिंतन जरूरी है। पर अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथी रालोद की बात करें तो 2 सीट मिली और दोनों ही जीत कर बता दिया कि हम पर किया गया विश्वास काम ही आएगा। इस जनादेश में रालोद की भूमिका को लेकर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से की खास बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं। 24 का जनादेश कुछ अलग पहल लेकर आया है। किसी को संजीवनी मिली है, किसी को सबक मिला है, किसी को संदेश मिला है। जनादेश ने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई है। वो भूमिका यहाँ पर किसको क्या मिली है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि यहाँ पर विचारों की लड़ाई है और रणनीति है, क्योंकि 27 चुनाव भी है और यहाँ पर अब पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। जानेंगे उनसे कि व्यवस्थाओं की बात कैसे करते हैं और यहाँ पर जनादेश आया है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि रालोद ने यहाँ पर 2 सीटें जो मिली थी दोनों जीत कर आए। क्या बोलेंगे? ये सही है, मैं जनादेश एनडीए को मिला है और पूर्ण बहुमत से एनडीए को जनादेश मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जी। ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी है क्योंकि 6 दशक के बाद, 60 वर्ष के बाद में दोबारा किसी ऐसे प्रधानमंत्री को मौका मिल रहा है जो 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो ये बड़ा जो ऐतिहासिक क्षण है और देश की जनता चाहती भी है कि 3री बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और वो क्षण आया है। कल शाम के समय जो है नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनादेश मिला है उस जनादेश को स्वीकार तो किया है बीजेपी ने, पर अगर देखा जाए तो ये सरकार जो बनने जा रही है वो एनडीए की है और यहाँ पर बीजेपी को जो 14-19 का जो आंकड़ा मिला था वो आंकड़ा इस बार नहीं आया, यानी बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं मिला है, जनता ने बहुमत नहीं दिया है। और अगर खासी यहाँ पर व्यवस्था देखें तो उत्तर प्रदेश से खासा नुकसान हुआ, क्या वजह मानते हैं? आप भी सहयोगी रहे हैं। देखो, मेरी बात सुनो, नंबरिंग ऊपर नीचे हुई है जी। वो एक समीक्षा का विषय है, समीक्षा होगी पार्टी स्तर पर, एनडीए स्तर पर समीक्षा होगी कि क्या कारण रहे हैं जो हम कुछ सीटें जो हैं हार गए। हालांकि सभी सीटें बहुत मिनिमम मार्जिन पे हम लोग हारे हैं, लेकिन हार हार है, उसको हम स्वीकार करते हैं। जो जनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के जनता ने दिया है तो उसको हम स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा जो है पार्टी स्तर पर और एनडीए स्तर पर होगी। आरएनडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पश्चिम की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सीट जीत कर आई, पूर्वांचल में तो स्थिति बड़ी ख़राब रही है। तो क्या मानते हैं यहाँ पर 27 में आपकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें? खाली पार्टी की भागीदारी की बात नहीं है, विशेषकर एक पार्टी आरएनडी की या मान लो किसी पार्टी भागीदारी, एनडीए की बात है। जो 27 का जो चुनाव होगा वो एनडीए के प्लेटफॉर्म पर होगा और निश्चित रूप से 27 में 3री बार महाराज जी, योगी जी, आदित्यनाथ जी ही सरकार बनाएंगे और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है विपक्ष के लोगों को कि हमारे 37 MP बन गए या 43 बन गए, ये कुछ नहीं है। हम लोग मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से जो कहीं कोई कमियां खामियां रही हैं उन हम दुरुस्त करेंगे तो हम लोग सरकार बनाएंगे 27 में। तमाम केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं और उसके बाद जो हमने देखा है रालोद 2 सीटें मिली, दोनों जीत कर आई, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बड़ी सीटें, पश्चिम की सीटें, जहाँ पर बीजेपी को कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये सही है, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 2 सीट आई थी, हम लोगों ने दोनों सीटें जीती हैं, अच्छे मार्जिन जीते हैं। लेकिन जो हमारे साथी पश्चिम में जिन्होंने चुनाव लूज़ किया है वो बहुत मिनिमम मार्जिन पे किया है। हार जीत लोकतंत्र की एक स्वतः प्रक्रिया भी है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आने भी चाहिए, इसमें भी कहीं ना कहीं जनता को लाभ भी होता है। तो ये कोई नहीं है, समीक्षा होगी, सब ठीक हो जाएगा। तभी केंद्रीय मंत्री का हार जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर सबक तो मिलता है कि संदेश भी है यहाँ पर, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री भी हारे, इंदिरा गांधी भी हार गई थी, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जाना पड़ता है, हमारा भाग्य का जो निर्धारण करते हैं जनता करती है, जनता इसलिए जनार्दन है। आरएलडी का अब संगठन कहाँ तक अपनी रणनीति को बनाएगा और कितनी यहाँ मुखरता के साथ आगे आने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है 27 चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का। क्योंकि अगर बात करें पश्चिम में तो आपकी बड़ी मजबूती है, पर यहाँ के अगर और क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर उतना मजबूत आपका संगठन नहीं है, उनके लिए क्या रणनीति बनाई है? देखो, राष्ट्रीय लोकदल का संगठन वैसे पूरे प्रदेश के अंदर है,
लेकिन कहीं अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर जो है बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का संगठन बनाया जाएगा और मजबूती से हम लोग जो है अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको वोट सपोर्ट करने का काम करेंगे। हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है किसानों की, मजदूरों की, नौजवान साथियों की, दलित वंचितों की जो विचार है उसको कैसे जमीन स्तर पर मजबूत किया जाए, इस विषय में आदरणीय चौधरी जैन जी का निर्देश लेकर हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ विपक्ष बोल रहा है कि हम मजबूत हैं और यहाँ पर जो सरकार बनने वाली एनडीए की, ये बैसाखी की सरकार है, इनको अपने लोगों को साधना पड़ रहा है और यहाँ पर इनको उनके मन माफी पद भी देने पड़ रहे हैं। नहीं तो उनका इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत है जी, वो तो वहाँ तक ही नहीं। इंडिया गठबंधन का ऐसा कौन सा सहयोगी है जो 3 डिजिट में जा रहा हो? बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो 2 डिजिट में है, 99 पर है। और एनडीए गठबंधन की अगर हम बड़ी पार्टी की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उसकी फिगर भी 241 है। तो जो चुनाव हुआ वो इंडी गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन हुआ, एनडीए तो पूर्ण बहुमत में है ना जी। ये खामा खा के सवाल हैं। तो तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हमने मेहनत की है और जो मेहनत है वो यहाँ रंग लाई है, जनादेश आया है, जनादेश यहाँ पर एनडीए को मिला है। उनकी का कहना है कि रालोर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, 2 सीटें मिली थी, दोनों सीटें यहाँ पर जीत कर आए हैं और आने वाले समय में भी हम इतिहास बनाएंगे, वो इतिहास जो उत्तर प्रदेश में अब तक बना नहीं होगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि लोग हारे हैं तो पहले भी इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री जैसे पद के उम्मीदवार भी लोग हारे हैं, व्यवस्थाएं चलती रहती, नीति चलती रहती है, पर यहाँ पर हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है और हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को पूरी मजबूती के साथ खड़ा करते नजर आएंगे। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।